प्यारे छात्रों, आज 10th क्लास का प्रश्नावली 1.1 में ये पहला पार्ट होगा, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है पहला चैप्टर का बता दिए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। और इस चैनल पे 10th का मैथ का पूरी सॉल्यूशन कराएंगे और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है रियल नंबर का, तो पहला क्वेश्चन जो होता है निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो पता है? सबसे पहले तो एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हम लोग निकालते हैं 135 और 225 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाग विधि से। उसके बाद इसको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करना होगा। तो 135 का निकालेंगे 135 से 225 में, तो एक बार में लगाएंगे ये 135 होगा। अब इसको घटाएंगे, अब एक दे 10 दो 12, 12 में 3 गया 9, ये जो है 1 बचा, 1 से 1 कैंसिल होगा, अब कितना उतरेगा 135। प्यारे छात्रों, अब जो है 90 दुना 180 होता है एक बार में, अब प्यारे छात्रों ये जो है 45 होगा, अब ये 19 लिखेंगे ये दो बार में। तो अब इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे, और ये जो है हम लोग बचपन क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जो है हम लोग उस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे अभी, सबसे पहले तो 135 और कितना है 225। तो हम लोग लिखेंगे, एक सूत्र भी पढ़े थे बचपन में ही, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हम लोग 225 को पुराने के लिए, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, 225 को पुराने के लिए 135 गुना 1 लिखेंगे, 135 गुना 1 प्लस 90, जहां r बराबर नॉट जीरो, जब तक रिमाइंडर शेष पर जीरो नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ऐसा काम करेंगे। अब प्यारे छात्रों 135 को पुराने के लिए, 135 को पुराने के लिए 90 गुना 1 प्लस शेष के रूप में क्या बचा 45, जहां r बराबर नॉट जीरो, जब तक शेष जीरो नहीं आता, इसी चीज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अब 90 को लिखने के लिए, 90 को लिखने के लिए 45 गुना 2 प्लस 0, जहां r बराबर रिमाइंडर मतलब 0 आ गया, तब यहां लिखेंगे वेयर, वेयर मतलब होता है जहां, जहां 135 और 225 ऑफ एचसीएफ 45। आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा 145 होगा, इसका आंसर 45 होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जिस तरह से बचपन में एचसीएफ निकालने के लिए सीखे उसी नियम का उपयोग करते हैं, बशर्ते ये है कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करते हैं। तो पहले आइए करते हैं 196 196 से जब
38,220 में भाग लगाएंगे, ये 195 बार में पूरा कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट होता है। तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 196 और 38,220, तो इसको लिख सकते हैं, तो पुराना है 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, आर बराबर 0। तो जहां रिमाइंडर 0 आएगा तो वही इसका एचसीएफ बनता है, वही क्या बनता है, एचसीएफ बनता है, लिखेंगे। अतः एग्जाम में आपको कंप्लीट लिखना है, और यहां जो है 196 और 38,220 का एचसीएफ जो होगा 196 होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप तो आप लोग सीख गए होंगे, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए प्यारे छात्रों करना क्या है। सबसे पहले 255 छोटा है और बड़ा में भाग लगाते हैं, तो ये 255 से जो भाग लगाएंगे ये 867 में, तो इसको करना क्या है, सबसे पहले ये जो है तीन बार में इसको हम लोग लगाते हैं, तो तीन बार में होगा 5 × 15 1 16 1 3 9 6 1 7। अब इसको माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे अब इसको लगाएंगे, ये तीन बार में देखते हैं, तो तीन बार में 6, ये तो ये तीन बार में अधिक हो रहा था, इसीलिए हम लोग दो बार में लगाएंगे, तो दो बार में होगा ये 204, ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये जो है कैंसिल। अब इससे ये लिखेंगे 102, ये दो बार में कैंसिल, 51 × 102। तो आप लोग इसको जो है ये तो हम लोग बना लिए, मेन यही है। अब क्या करना है, आपको जो हम थ्योरम बताए थे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो यहां हम लोग लिखेंगे अब सॉल्व देके। सबसे पहले प्यारे छात्रों करना क्या है, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करना है प्यारे छात्रों, 867 और 255, तो 867 बराबर लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102, जहां r बराबर नॉट जीरो। अब प्यारे छात्रों 255 बराबर 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस जो शेष के रूप में बचता, हरेक स्टेंजा में लिखते हैं r बराबर नॉट जीरो, क्योंकि यहां 51 शेष बचा था। अब प्यारे छात्रों 102 को कैसे लिखेंगे, 102 को लिखेंगे 51 × 2 प्लस 0, जहां रिमाइंडर 0 आया, तो यहां लिखेंगे अतः 867 और 255 ऑफ एचसीएफ, ये 51 आया। आप लोग इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, और पहला नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग इसको समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं आप लोग इसको पीछे करके देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर इसका जो है इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में, तो प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको नोट
कर लीजिए। और जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में अगर कहीं से क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसमें देख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन को जो है पूछा भी है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्व, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो प्यारे छात्रों यहाँ बी बराबर मानना है सिक्स, देखिए सब में सिक्स लगा हुआ है। क्वेश्चन भी समझने का प्रयास कीजिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है, जहां क्यू पूर्णांक है। तो हरेक टर्म में क्या है, सिक्स लगा हुआ, सिक्स लगा हुआ। और इस क्वेश्चन में बच्चे को भी दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग रिमाइंडर बराबर, जब सिक्स है तो इसमें रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, तो जब भी बचेगा इससे कम ही बचेगा, तो हम लोग जीरो बच सकता है, वन बच सकता है, टू बच सकता है, थ्री बच सकता है, फोर बच सकता है, फाइव बच सकता है, लेकिन सिक्स नहीं होगा, क्योंकि सिक्स में जब हम कोई भी संख्या से भाग देंगे उसका रिमाइंडर इसी के बीच में कुछ आ सकता है, जीरो से लेके फाइव तक। तो हम लोग यहां जो है तो प्रयोग करेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो पढ़े हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब प्यारे छात्रों a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो b के स्थान पे 6 प्लस रिमाइंडर पहला बार में 0 है। तो यहां हम लोग लिख भी सकते थे, यदि यहां लिख दो, यदि r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर b का मान है कितना, 6 है, क्यू है, क्यू लगाएंगे, आर आर जीरो है, पहला यही होगा। यदि आर बराबर वन लेंगे तो ए बराबर सिक्स क्यू प्लस वन लिखेंगे, यदि आर बराबर टू लेंगे तो ए बराबर सिक्स क्यू प्लस टू लिखेंगे। इसी प्रकार यदि आर बराबर थ्री लेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बराबर सिक्स क्यू प्लस थ्री, यदि r बराबर 4 लेंगे इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 4, यदि r बराबर 5 लेंगे तो ये लिखेंगे 6q प्लस 5। तो प्यारे छात्रों इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे छात्रों इसमें आया है क्या क्या, पहले आप लोग देख लीजिए, 6q, उसके बाद पहला में आया है क्या 6q, जब इसमें जीरो जोड़ेंगे, देखिए जीरो अगर कोई भी चीज में जोड़ेंगे ये 6q ही रहेगा, जीरो जोड़ने या घटाने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सभी जितना है सम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाता है, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, अतः इसको हम लोग 6q1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के टर्म में लिख सकते हैं। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट मिलेगा, और अगले क्लास में जब देखेंगे 1.2। थैंक यू ऑल ऑफ यू।